साथियों डायरिया या फिर हम कहें दस्त, हालांकि दस्त पे ऑलरेडी मैंने एडल्ट्स के इस्तेमाल के लिए अलग से वीडियो बना रखा है कि उनके लिए क्या क्या दवाएं होनी चाहिए, और उसी वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि बच्चों के डायरिया के लिए यानी कि बच्चों में होने वाले दस्त की परिस्थितियां अलग होती हैं, इसके वजह से उनके दवाएं भी थोड़े से अलग होते हैं, और सिर्फ खास रूप से बच्चों के लिए डायरिया की परिस्थिति में क्या हम होम्योपैथी दवाएं यूज करें उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो उसी के बात पर मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए ये वीडियो, और इस वीडियो में हम खास रूप से यही समझेंगे कि बच्चों के डायरिया के कंडीशन में हम क्या क्या होम्योपैथिक दवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल होम्योपैथ पर, मैं हूं डॉक्टर रवि रोशन, और इस वीडियो में साथियों हम खास रूप से इसी चीज पर चर्चा करेंगे। दवा जिसके बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा वो है साथियों एथ्यूसासाई, एथ्यूसासाइनेपियम करके आती है दवा, 30 पोटेंसी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी उम्र का बच्चा हो उसको दो दो बूंद करके दिन भर में 3 बार दिया जा सकता है। किस परिस्थिति में, जब वो 2-3 खास बातें ध्यान रखना, एक तो कि जब दांत हो रहा है बच्चों का, हालांकि बच्चों के केस में ज्यादातर ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम टाइम जो है दांत होने की कंडीशन में डायरिया देखने को मिलता ही है, और ज्यादातर बच्चों के डायरिया में दांत वाले सिम्टम को रिकॉल किया ही जाता है अक्सर। हाँ, लेकिन उसके साथ अगर हम कुछ इसके अलग सिम्टम्स की ओर ध्यान दें तो जैसे कि एक तो बच्चा कुछ भी खाता पीता है तो साथ में उल्टी कर देता है, कई दस्त की परिस्थिति रहती है, और उल्टी जो होता है वो बिल्कुल जैसे कि दूध पीता है और दही उल्टी करता है, बिल्कुल थका थका सा जमा हुआ सा कर्ड जैसा बिल्कुल उल्टी जब होता है तो उस कंडीशन में आप एथ्यूसासाई का इस्तेमाल करते हैं। उसी के साथ बच्चे में लार टपकाने की सलाइवा मुंह से आते रहता है, चूते रहता है, बहाव चालू रहता है, तो उस परिस्थिति में आपको एथ्यूसासाई एक अच्छी मेडिसिन है। अब बच्चे में देखते हैं कि शरीर थोड़ा सा कमजोर जैसा है, पैर वगैरह में इमेशिएशन जैसा है, पेट किसी कारण से निकल गया है, खास करके माल न्यूट्रिशन के वजह से अगर ये स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि सुखंडी के लिए भी बहुत अच्छी दवा है, मैरिस्मस के लिए भी बहुत अच्छी दवा है एथ्यूसासाई, तो इस तरह की परिस्थितियों को अगर आप देखते हैं तो वहां भी आपको एथ्यूसासाई को बिल्कुल याद करना चाहिए। उसके बाद साथियों बच्चों में एक परिस्थिति आती है कि चिपचिपा सा हरा हरा सा उनका जो है स्टूल निकलता है, और वो भी कब, जब किसी तरह का जूस, यानी जूस नहीं कहें हम, फल किसी तरह का अगर वो खाते हैं, जूस वाला फल जिसमें कि अच्छा खासा रस रहता है, उस तरह का कोई फल खा करके, और तब उनके अंदर डायरिया हो जाता है, डायरिया में उनके स्टूल में जो है बिल्कुल हरापन देखने को मिलता है, चिपचिपा सा रहता है, और वेग के साथ एक प्रेशर के साथ बच्चा जो है पखाना करता है, तो उस कंडीशन में ध्यान रखेंगे कि कैल्केरिया फॉस बहुत अच्छी मेडिसिन है। ध्यान रखेंगे कि बच्चे का दांत तो निकल ही रहा है, तो कैल्केरिया फॉस 30 पोटेंसी में आप इस्तेमाल करते हैं। उसी में ध्यान रखेंगे कि स्टूल में आप, एक तो बच्चे का जो स्टूल होता है हरा सा चिपचिपा सा, उसमें दुर्गंध आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है, उसी के साथ साथ जो वो खाता है तो उसका डाइजेस्ट नहीं होकर के कुछ कण जो है डायरेक्टली आपको स्टूल में देखने को मिलते हैं, कि जो खाया है वो वैसा का वैसा स्टूल में दिख रहा है, तो उस कंडीशन में बहुत अच्छी दवा है कैल्केरिया फॉस 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम करके 3-3 या 4-4 बूंद अगर आप देते हैं तो एक डायरिया तो आपकी 1 से 2 दिन में बंद हो जाती है, और बाकी जो सिम्टम्स है वो सारी चीजें जो है लगभग 7-8 दिन दवा लगातार खिला देने के बाद लगभग सारी चीजें जो है आराम हो जाती है। और उसके बाद भी अगर बच्चे ने जैसे कि अगर मान के चले 2-4 दिन में ठीक हो गया, 1 हफ्ता हमने दवा खिला दी, और 10 दिन बाद फिर अगर डायरिया की परिस्थिति देखने को मिल रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वही दवा कैल्केरिया फॉस को ही फिर से एक खुराक मतलब कि 2-3 बूंद उसके मुंह में रख देना है और छोड़ देना, और आप देखेंगे कि वो ठीक हो जाएगा, और जब जब अगर ऐसा महसूस होता है तो बस एक खुराक यानी कि 3 से 4 बूंद उसके मुंह में डाल दें और देखेंगे कि उसका डायरिया सही रहेगा और किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं होगा उसके शरीर पर, किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होगा, किसी तरह की परेशानी नहीं होगी साथियों। उसके बाद साथियों एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है कैमोमिला। कैमोमिला बहुत अच्छी मेडिसिन है, 30 पोटेंसी में 4-4 बूंद करके आप बच्चे को देते हैं, तब देते हैं जब बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होता है, मतलब कि दांत निकल रहा है, उसका डेंटिशन पीरियड चल रहा है, डायरिया उसके हो रहे हैं, दस्त उसके लगे हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा देख रहे हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा कर रहा है, किसी चीज से खिन्न हो जाता है, बिल्कुल खिन्न सा रहता है बच्चा, कुछ भी जो है उसे पसंद नहीं आता है, कुछ भी मतलब एक शब्द भी अगर उसे ऊंचा बोल दिया जाए या कुछ करने से मना कर दिया जाए या कुछ उसके हाथ से ले लिया जाए या कुछ ना भी ऐसा हो जिससे कि उसे गुस्सा करना चाहिए, फिर भी वो गुस्से में रहता है, बहुत चिड़चिड़ा रहता है, एकदम रोते रहता है, अगर बोलने वाला बच्चा नहीं है तो रोता बहुत ज्यादा है, चिड़चिड़ा रहता है, किसी के पास नहीं रहना चाहता है,
तो इन सारी परिस्थितियों में ध्यान रखेंगे कि कैमोमिला बहुत अच्छी मेडिसिन है, 30 पोटेंसी में दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम करके आप देते हैं और बहुत तेजी से इसे राहत आपको देखने को मिलता है। मतलब ऐसे बच्चे होते हैं जो रात रात भर बिल्कुल रोते रहते हैं, सोने नहीं देते हैं अपने गार्जियन को, तो उस कंडीशन में आप देना शुरू करेंगे और देखेंगे कि आपका बच्चा अच्छी नींद ले रहा है, सुकून की नींद ले रहा है, एकदम शांति से सोता है, उसकी डायरिया भी ठीक होती है, उसके सारे सिम्टम्स आराम होते हैं। उसके बाद साथियों एक दवा है एसिड फॉस या एसिडम फॉस्फोरिकम जो भी हम इसे कहते हैं, तो एसिड फॉस बहुत अच्छी दवा है। रिकेट में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है, कब जब रिकेट से गुजर रहा हो, बच्चा को रिकेट हो रखा है उस परिस्थिति में बहुत अच्छी दवा है। अगर डायरिया होती है या किसी भी तरह की समस्या होती है, रिकेट्स को भी ठीक करता है, डायरिया को भी ठीक करता है। ध्यान रखेंगे साथियों अगर हम मल के चरित्र को देखें इसके, तो उसका मल जो होता है सफेद सा, पानी सा और सफेद सफेद लिए सफेदी लिए हुए पानी जैसा बिल्कुल प्रेशर से निकलने वाला उसका मल होता है, यानी कि पखाना स्टूल होता है। उसी के साथ बच्चे में किसी तरह का दर्द बच्चा नहीं बताता है पखाने वगैरह में। और एक और चीज देखेंगे कि बच्चे का मल जो है स्वतः ही आ जा रहा है, मतलब उसे पता नहीं चलता कि यहाँ पखाना होने जा रहा है, वो पखाना कर देता है, वो स्टूल कर देता है, उसे खुद में एहसास नहीं होता कि वो स्टूल कर रहा है, वो जानबूझकर के नहीं करता, ऑटोमेटिकली खुद से हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में ध्यान रखेंगे एसिड फॉस बहुत अच्छी दवा है। उसके बाद साथियों एक खास मेडिसिन है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम भी 30 पोटेंसी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों में, खास करके उनके लिए जिनको कि एक तो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों चीज अंतर के साथ होता है, मतलब कुछ दिन डायरिया रहेगा, फिर कुछ दिन कॉन्स्टिपेशन रहेगा, फिर कुछ दिन डायरिया, फिर कुछ दिन कॉन्स्टिपेशन, ये अल्टरनेटिव वे में जो है एक के बाद एक आपको बदलता हुआ लक्षण देखने को मिलता है, तो उनके लिए पोडोफाइलम बहुत अच्छी मेडिसिन है। उनके अगर हम स्टूल के कैरेक्टर्स को देखें तो उनके स्टूल में आपको खास करके एक हरापन सा देखने को मिलेगा। पखाना जो होता है बच्चा बिल्कुल प्रेशर के साथ एक बार में करता है, बहुत जोर से करता है। अगर गोद के बच्चे होते हैं तो देखेंगे कि वो एक जगह पखाना करते हैं, उनका प्रेशर बहुत दूर तक जाता है उड़ करके, बहुत प्रेशर के साथ अधोवायु के साथ पखाना होता है बच्चे का। उसी के साथ पखाने में बहुत ज्यादा दुर्गंध भी आपको साथ ही साथ देखने को मिलता है। हाँ, एक खास सिम्टम आप देखेंगे कि बच्चा पखाना करने से पहले या पखाना करने वक्त जो है उसके पखाने का रास्ता जो होता है एनस का जो ऊपर का एरिया होता है वो लगता है जैसे कि बाहर आ गया है, वहां मांस निकलने जैसा, कांच निकलने जैसा जिसे हम कहते हैं वो आपको देखने को मिलता है, एनल प्रोलैप्स आप उसे कह सकते हैं। तो उस कंडीशन में भी आपको पोडोफाइलम एक बहुत अच्छी दवा है। उसके बाद साथियों एक कॉम्बिनेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, कैल्केरिया फॉस रियूम एक अच्छी दवा है, RHEUM आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे, कैल्केरिया फॉस रियूम और कैमोमिला, ये तीनों मेडिसिन 30 पोटेंसी में ही दो दो बूंद करके एक एक करके 5-5 मिनट के अंतर पे तीनों में से अगर सुबह शाम करके दिया जाता है तो खास करके उन बच्चों के लिए जिनमें बहुत ज्यादा सिम्टम नहीं देखने को मिल रहा है, दांत बस निकल रहे हैं, डायरिया लगा हुआ है उनको, दस्त हो रहा है उनको, और उसी के साथ साथ दस्त में पखाने में बहुत ज्यादा खट्टा दुर्गंध देखने को मिलता है, बिल्कुल खट्टा सा गंध जब आप देखते हैं तो वहां पे ये तीनों मेडिसिन कॉम्बिनेशन के साथ आप जैसे ही देते हैं आप देखते हैं कि डायरिया जो है उसका बहुत तेजी से चला जाता है, चिड़चिड़ाहट वगैरह हो या फिर उसकी और चीजें हो, दांत निकलने के समय में अगर डायरिया हो रहा है तो जो भी उसके अंदर की सिम्टम्स होंगे वो सबको खत्म करेगा। और ऐसे बच्चे के डायरिया के लिए रियूम एक अच्छी दवा है, आप सिंगल रियूम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं खट्टे दस्त में, लेकिन जब आप इन तीनों का इस्तेमाल एक साथ करते हैं तो ये तीनों बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको देता है और बहुत तेजी से आप देखते हैं कि जब और खास करके जब आप सिम्टम्स पूरा का पूरा टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स ले नहीं पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दे क्या ना दे, तो वहां पे ये तीनों मेडिसिन का एक साथ चलना लाभदायक हो सकता है, बहुत फायदा आपको इससे मिल सकता है। तो ये सारी जानकारी थी साथियों बच्चों के डायरिया के बारे में, आशा करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो। अगर लगता है कि इस जानकारी की किसी और को भी आवश्यकता हो सकती है तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर साझा करें। अगर जानकारी पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर कर लें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं होम्योपैथ और मेडिसिन से जुड़े हुए, BHMS से जुड़े हुए, वो सारे आप तक पहुंच सके। उसी के साथ एक अनाउंसमेंट भी मैं साथियों कर देना चाहता हूं कि हमारे चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनने जा रहा है जिसमें कि आपको सिर्फ केंट साहब के सारे जो उनके मेट्रिया अमेरिका में जो मेडिसिन उन्होंने बतलाई हैं और उनके थ्रू जो बतलाया हुआ जो भी सिम्टम्स है कैटेगरी करके एक अलग कैटेगरी एक तरह से कहिए कि बनाया जा रहा है, तो वो उसका फायदा मतलब आपको डायरेक्टली जो है पूरा का पूरा मेटेरिया मेडिका आपको इस चैनल पर जो है देखने को मिल जाएगा बहुत जल्द। तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उसके भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।